तीसरे चरण के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। एबीपी संवाददाता अजय दुबे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनसे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर एटा पहुंचे हैं। अब इस प्रचार की प्रक्रिया है सर, हम बस से साथ में हुआ करते थे, अब हेलीकॉप्टर ने रूप ले लिया है क्योंकि रफ्तार बड़ी है। इससे होने से आप जब अलग अलग फेजेस में जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, कितनी जो प्रभाव की रफ्तार है कितना बड़ा हुआ दिख रहा है? देखिए, अब समय कम है, समय कम है और ज़्यादा जगह पहुँचना है, तो हेलीकॉप्टर कोई नई चीज़ नहीं है। जो जनसंपर्क रथ के माध्यम से हुआ वही उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कुछ दिन पहले एटा में हम लोग आए थे और रथ के माध्यम से, वो रात हो गई थी लेकिन लोग हटे नहीं थे। उसी दिन ये महसूस हो गया था कि जब कभी वोट पड़ेगा एटा की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। सफाई पे भाजपा की हम बात कर रहे हैं, विजय रथ जहाँ भी पहुँचता था रात में जोरदार भीड़ रहती थी, अभी भी रैली में दिखाई दे रहा है स्पीकर तक लोग चढ़े हुए हैं, ये भीड़ वोटों में बदलती दिख रही है आपको? मुद्दे क्या क्या लग रहे हैं जो आपके पास लेके आए? उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है, जनता दुखी हुई है, किसान के साथ अन्याय हुआ है, उसकी किसी फसल की कीमत नहीं मिली है, लूट हुई है, और जो नौजवान नौकरी और रोजगार की उम्मीद लगाए बैठा था नौकरी रोजगार नहीं मिले हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर वर्ग के अंदर नाराजगी है सरकार के खिलाफ। पहले चरण में ही जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, बीजेपी का सफाया उत्तर प्रदेश से होना तय है। यहाँ का किसान, नौजवान, व्यापारी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उन्हें महसूस हो रहा है कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, सरकार और कारोबार कैसे हो, कैसे कारोबार की सहूलियत हो, मदद हो, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे, ये भरोसा जनता को है। जब भरोसे की बात कर रहे हैं सर, कल एक कमेंट असम के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, आपने उस पर ट्वीट भी किया, कमेंट जो किया गया था आपने महिलाओं को लेकर कोई बात कही, क्या पक्ष से? ये भाषा लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होनी चाहिए और ये सीधा सीधा एक तरीके से अपमान है तमाम माओं का। आपको अगर जीव दी है तो अच्छा बोलिए, लेकिन आपकी भाषा क्या है? और लोकतंत्र में भाषा का, इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सर, घोषणा पत्र बहुत पॉपुलर है, आखिरी सवाल लूंगा आपका, घोषणा पत्र लगातार चर्चा में बना हुआ है, उस घोषणा पत्र को लेकर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कॉपी किया आपने उनके यहाँ से, और आपको लेकर कह रही गठबंधन का तो बाद में कॉल लेंगे लेकिन मुझे उनकी राजनीति पसंद नहीं है, कॉपी किया क्या आपने? देखिए, ये निष्पक्ष बताना और दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। पहले सरकार जब थी समाजवादियों की, उस समय जो जो काम किए थे वो जनता को याद है, उसी भरोसे पे जनता एक बार फिर भरोसा कर रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, मैंने कई बार कहा कि हर वर्ग के लिए, हर एक को कैसे खुशहाली के साथ जोड़ा जाए, उस दिशा में मैनिफेस्टो बनाया है। ये मैनिफेस्टो हमारा योजनाओं के साथ है, बजट के साथ है कि कैसे लागू करेंगे वो भी व्यवस्था है। देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं अपनी जो अब चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है उसको बदला है, विजय यात्रा हुआ करती थी अलग अलग जगहों पे बस जाती थी, अब हेलीकॉप्टर है क्योंकि बड़े जो इलाके हैं उन तक पहुंचना है और विजय यात्रा में जो बाधाएं होती थी समय ज्यादा लगता था, हेलीकॉप्टर जब से इस सिलसिले में आया है रफ्तार बड़ी है और जो संपर्क है समर्थन है वो देखने को मिलेगा आपको आसपास। रैली जिस जगह पर हो रही है हजार की तादाद में भीड़ है, चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी कोविड जिस तरीके से आया था, उसके बाद जबकि कुछ रफ्तार कोविड की थमती दिख रही है इस प्रक्रिया के बीच में, जो चुनावी प्रचार की प्रक्रिया है फिर एक बार जोरदार रफ्तार पकड़ चुकी है और तमाम नेता अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचे। अखिलेश यादव आज एटा और आसपास के दूसरे जिलों में चुनाव संपर्क के लिए पहुंचे थे। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे।